नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकुमारी। प्रदेश सरकार पटाखा फैक्ट्रियों में होने वाले विस्फोट को रोकने और इसकी निगरानी के लिए एक समिति का गठन करेगी। विधानसभा में विपक्ष ने ध्यान आकर्षण के जरिए बालाघाट की पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके का मुद्दा उठाते हुए सरकार से जानकारी मांगी थी। सदन में इसका जवाब देते हुए गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ऐलान किया कि सरकार ACS की अध्यक्षता में एक समिति बनाएगी जो 3 महीने में रिपोर्ट देगी और पुलिस विभाग में विस्फोटक सेल बनाया जाएगा जो विस्फोटक से संबंधित नियमों की निगरानी रखेगा। पिछले दिनों बालाघाट के पास एक दुखद घटना हुई थी। उस दुखद घटना में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ था और उस विस्फोट में लगभग 26 लोगों की मृत्यु हुई थी। उस बारे में आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लाया गया था। विपक्ष की तरफ से भी कुछ रचनात्मक सुझाव आए हैं और हमने शासन स्तर पर ये तय किया है कि हमारे राज्य में भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो, इसके लिए हमने ACS होम की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो 3 माह में रिपोर्ट देगी और हमारे जो पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग में भी अभी तक विस्फोटक के लिए अलग से कोई सेल नहीं था, वो हमने अलग से विस्फोटक सेल बनाने का भी निर्णय, जो विस्फोटक मामलों को देखेगा इसका भी बनाने का निर्णय आज लिया है। इस तरह से सरकार ने आज इस ध्यानाकर्षण के माध्यम से ये 2 निर्णय लिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ आज।